तो दोस्तों देख पा रहे हैं तगाड़ी ले लिए हैं, ये थोड़ा टूटी हुई है बट कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं फटाफट गोबर उठा देते मेरा अभी हैं। पकड़ने वाला कोई नहीं है। गोबर उठा देते हैं फटाफट, सुबह सुबह दोस्तों इतना काम है, पानी भरना है, गोबर उठाना है। तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बीनो अजय ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे तरफ से, इनके तरफ से प्यार भरा आपको गुड मॉर्निंग। दोस्तों कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा हम लोगों ने चिकन पार्टी और खिचड़ा पार्टी किया था, और जहाँ किया था अभी चल के दिखाऊंगा आपको। फिलहाल आज हम लोग काफी लेट सो के जगे हैं, देख पा रहे हैं अभी सो रहे हैं। कल बहुत थक गए थे तो तबीयत खराब हो गई, थोड़ा लेट जगे। तो दोस्तों कल का जो है थोड़ा मतलब इतना ज़्यादा खाना भी नहीं खाए थे, सुबह से वही लाई के अलावा कुछ भी नहीं खाए थे, और फिलहाल पूरा दिन हम लोग लगे रह गए। इसके बाद 4 बजे बना था हम लोग का जो चिकन है और खा के एकदम मज़ा आ गया था। बट आज हम चलते हैं आपको दिखाते हैं कि वहाँ कैसे है, और आज हम लोग बहुत सारा काम करने वाले हैं फटाफट। आज उधर जाने का टाइम नहीं है, उधर नहीं जाएंगे दिखाने, ये एराने के लिए बता रहे हैं। आज आलू खोदना है, थोड़ा दिखा देते हैं ना। नहीं आलू खोदने के बाद, क्योंकि ये कोई भी काम करते नहीं है, बताएंगे अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसे में हफ्ते बीत जाते हैं। बिल्कुल, थोड़ा गाइज मैं आलसी हूँ अभी फिलहाल, थोड़ा ज़्यादा काम नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिलहाल अभी जो कहती हैं इनकी बात नहीं करना चाहिए, यहाँ की सरकार यही है, यहाँ हमारे घर में दोस्तों इन्हीं का शासन चलता है, राइट बोले हैं। हाँ तो चलो आलू खोदने, मेरा शासन चलता है। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट, अब बेगम बगैर बादशाह किस काम का, फिर बादशाह बगैर बेगम किस काम का, वही हालत दोस्तों, दोनों को एडजस्टमेंट करना होता है। फिलहाल हम आ चुके हैं अपने खेत के पास, और देख पा रहे हैं यहाँ पे लगा है आलू, वहाँ पे लगा है लहसुन, और ये पालक लगा है, ये धनिया पत्ती लगी हुई है, और ये गोभी लगी है, और ये टमाटर लगा हुआ है, और सरसों का पेड़ कुछ इस तरह देख पा रहे हैं। और बीनू जी अभी जा रहे हैं सूपा लेके, और साथ में कुदरा रखी हुई है, तो यहाँ पे खोदेंगी। यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों हम लोग काफ़ी टाइम से आलू जो इतना खोद चुके हैं, और उस लाइन का भी वहाँ तक खोद चुके हैं, थोड़ा सा बचा है 4-5 फलियाँ जो है, और बाकी इसमें तो पूरा है, और इतना आधा खोद लिए थे। वाह, तो दोस्तों देख पा रहे हैं अभी एक पेड़ खोदी है तो सिर्फ एक आलू निकला है, सिर्फ एक, अभी दोबारा खोद रही हैं इसमें दो निकला है, आलू पड़ता है। तो दोस्तों इतना आलू खोद चुके हैं देख पा रहे हैं, और अभी फिलहाल खोद रही हैं, और मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। और ये है हमारे घर के बैक साइड का, यहाँ पे हमारे बैल रहते हैं, तीन है हमारे पास, तीन बैल रहते हैं यहाँ पे, और अभी हम लोग आएंगे तो उनको बांधना पड़ेगा यहाँ, अभी सफाई भी नहीं कर पाए हैं, तो भाई जो है बैल चराने गया है, फिलहाल मुझे आज सफाई भी करना होगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं बीनू जी इतना आलू खोद चुकी हैं, ये एक पलियम इतना आलू निकला है, एक पलियम देखे दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक में इतना कुल निकला एक है, ठो किसी में दो ठो किसी में कट हुआ है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग का लगा हुआ है, ये इसमें तो निकला है 1-4, ये वाओ इतने छोटे छोटे। तो दोस्तों हम अभी आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ, और चलिए आपको दिखाता हूँ का है वो, अंदर घुस चुके हैं झांकी के, देख पा रहे हैं ये ऐसा है ये, और हम हैं इसके अंदर घुस चुके हैं, और देख पा रहे हैं ये हमारे घर में लौकी है, इसको मतलब मम्मी बोली खा लो इसका बढ़िया बना के, लेकिन हम लोग सुन ही नहीं पाए, सीधी में थे, अब सीधी भिजवा नहीं पाई मम्मी लोग, तो कुछ भी नहीं कर पाए। एक ये बचा हुआ है, एक यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है कद्दू, और यहाँ पे ये है एक एक बड़ा सा यहाँ पे है, ये देख पा रहे हैं अंदर दिखाते हैं ये, और दो ठो इधर हैं, एक इधर ये वाले, तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हम लोग खा नहीं पाए, मतलब इनका बीज भी निकल आएगा तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर जब लगाएंगे दोबारा तो काम पे आ जाएगा। और देख पा रहे हैं हम लोग बढ़िया लकड़ी का झांकी गाड़ दिए हैं, ये सीधा का पेड़ है, और इधर पूरा लगे हुए हैं एक फरस से, और अब तो सूख गया दोस्तों, देख पा रहे हैं काफ़ी सूख गया, ऐसे मुरझुरा गए हैं। और फिलहाल चलते हैं बीनू जी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं उधर, लौकी खोद चुके वो, सॉरी आलू खोद चुके आप, आलू खोद चुकी, हाँ धनिया की पत्ती, लहसुन की पत्ती, मिर्चा भी ले लिया ना, अब क्या करना है, अभी आप टमाटर तोड़ना है, आज चटनी बनेगी। बिल्कुल, तो चलते हैं अभी हम लोग को टमाटर तोड़ने जाना है, और टमाटर तोड़ने हम लोग वहाँ पे जाएंगे दोस्तों जहाँ पे कल हम लोग पार्टी किए थे, तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो हम और बीनू जा रहे हैं दोस्तों टमाटर तोड़ने, और फिलहाल पहुँचने वाले हैं, और आपको हम दिखाते हैं हम लोग जो टमाटर लगाए थे बहुत पहले लगाए थे, और अभी यहाँ पे प्याज हम लोग लगाए हैं दोस्तों, देख पा रहे हैं ये वाला, बट अभी हुआ नहीं है, और उस साइड कुछ लगाए हुए हैं तो वो भी छोटे छोटे हैं, और टमाटर हम लोग यहाँ पे लगाए थे, तो
कुछ फड़ा हुआ है, कुछ पक गए हैं, कुछ गिर गए हैं, देख पा रहे हैं। जैसे ये वाला खराब हो गया जो गिरा है यहाँ पे, तो और बीनू जी भी तोड़ रही हैं। हो जाएगा एक तो बैगन तोड़ूंगी। हाँ बैगन एक तोड़ूंगी। आप वो इसमें ना रखिए, देखिए ना दब गया ना, देखिए ना बैगन तोड़ रही हैं अभी फिलहाल। कितने बैगन में हो जाएगा? एक बैगन में बैगन दिख नहीं। तो ये हैं, तो ये नहीं पके होंगे बैगन, पका थोड़ी खाते हैं, कच्चा खाते हैं। अच्छा हाँ, मतलब बड़े बड़े हो गए हैं। है क्या है? मुझे दिख रहा है वही दो दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे हैं। हाँ एक तोड़ लीजिए। तो दोस्तों देख पा रहे हैं बैंगन तोड़ ली हैं, और ये हम लोग का बैंगन जो है एक भी नहीं फड़ा हुआ दिखा रहे हैं आपको। ये देख पा रहे हैं एक भी बैंगन नहीं फड़ा हुआ यहाँ पे, सब पता नहीं सूख गए। आपको दिखाते हैं इस तरह पक के, इस तरह हो जाता है एकदम सूख जाता है पता नहीं क्यों। और यहाँ पे हम लोग मिर्च लगाए हैं और बैंगन भी लगाए हैं। एक पपीता का पेड़ है, आपको दिखाते हैं। ये पपैया का पेड़ एक है। और दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं जहाँ हम लोग कल पार्टी किए थे, अभी तक चूल्हा भी नहीं उठाया है उसका, यही पड़ा हुआ है देख पा रहे हैं। ये इसमें बना था चिकन, और इसमें बना था खिचड़ा, और ये केला के पत्ता और चूल्हा का पत्ता हम लोग लाए थे। बढ़िया बैठे थे उस साइड और बढ़िया खाए थे यहीं पर। इसके बाद बीनू जी बर्तन धुली हैं और हम भी धुलवाए थे, पानी घिंच दिए थे, इसके बाद बर्तन वगैरह रखे। और फाइनली आज जो है थोड़ा लेट सो के, मतलब फास्ट माने फास्ट जगह सूर्य भी उदय नहीं हुआ है। और फिलहाल अभी बीनू जी जो है देख पा रहे हैं बी ही देख रही हैं अमरूद की फड़ा है कि नहीं फड़ा है। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, कहाँ पे है दिख रही है उधर। तो गाइस देख पा रहे हैं ये हमारा अमरूद का पेड़ है यहाँ पे, ये है तो तोड़ूंगी इसको। अच्छा एक पकी है, पकी वहाँ पे। वाह, तो दोस्तों मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ, मस्त पकी है। दोस्तों ये देख पा रहे हैं ये है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, एक पकी है एक कच्ची है। तो बीनू जी डंडा उठा के आई हैं, देख पा रहे हैं इतनी बड़ी डंडा, अब तोड़ेंगे इसे। तोड़ लेंगे आप? वो है वो बगल में। हाँ तो ये तोड़ रही हैं, वो गिर गया। तो गाइज हम पा गए, मस्त पका है दोस्तों, देख पा रहे हैं। नहीं नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, ये मेरे लिए ना, ये कच्ची है। तो ये जो पाई है कच्ची है, मैं अरे जो मैं पाया हूँ पक्का है। तो दोस्तों बढ़िया खाते हैं है? सवेरे सवेरे अमरूद मिल जाता और मजा आ जाता है। ठंडी करेगा ना खाइए, नुकसान करेगा, मुझे नहीं करता, नहीं करेगा। तो दोस्तों देख पा रहे हैं बोल रही है नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि चले अब। तो दोस्तों बीनू अभी तोड़ी थी भी ही, अब दोबारा फिर से तोड़ी है। एक थोड़ी तो पक्की मिली, एक थोड़ी तो ज्यादा कच्ची मिल गई। खा लेंगे इसे ना, फेंकी है कि नहीं देखी है पता नहीं, जब आएगा तो खा लूंगी। तो दोस्तों हम ले लिए हैं और इसको बढ़िया काट के खाएंगे पेंसिल से, ठीक है ना। हाँ, वो आप ले लीजिए अपना सूपा और अपना वो सब कुछ। तो दोस्तों अब चलते हैं घर साइड, आपको दिखा दिए जहाँ पे हम लोग पार्टी वगैरह किए थे। और फिलहाल अब चलते हैं, हम लोग को भी सुबह सुबह जल्दी जल्दी पानी भर लेते हैं, गोबर उठाना है अभी। गोबर भी उठाना है दोस्तों अभी, चलिए हम आपको दिखाते हैं, पहले गोबर उठा लेते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं तगाड़ी ले लिए हैं, ये थोड़ा टूटी हुई है बट कोई दिक्कत नहीं, अब चलते हैं फटाफट गोबर उठा देते हैं, क्योंकि सुबह है और मम्मी पापा मार्केट गए हुए हैं तो हमारे अलावा कोई उठाएगा नहीं। बीनू जी हैं बिल्कुल नहीं उठाएंगे, गोबर नहीं छूती हैं बोलती हैं, बाकी लिपाई यही करती हैं, दिक्कत नहीं है बट चलते हैं उठाते हैं। चलते हैं दोस्तों उठाते हैं, कैमरा भी पकड़ने वाला कोई नहीं है, गोबर उठा देते हैं फटाफट। सुबह सुबह दोस्तों इतना काम है, पानी भरना है, गोबर उठाना है।
कौन पानी का डाल था पानी का डाल था अरे वही खादी है उसको बंद करो ले चलो। तो दोस्तों देख पा रहे हैं गोबर उठा दिए हैं बढ़िया। अब चलते हैं फटाफट हाथ गोड़ धो लेते हैं। ओ बहुत ज़्यादा अब काम है सुबह सुबह मान लीजिए। आ जाइए आप भी। तो दोस्तों एक डिब्बा पानी भी भर दे रहे हैं फटाफट सुबह सुबह, तब तक बाद में हो जाएगा। और फिलहाल अभी के लिए भर देते हैं। एक डिब्बा पानी पानी रख दिए यहाँ पे। और दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा काम है और आज का जो ब्लॉग है काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आई होप कि मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक करना दोस्तों, और चैनल में तो सब्सक्राइब करना दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत ज़्यादा काम है दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं, बाय बाय।